iPad Air 5 में फाइनली हम लोग ने iPad OS 16 को इंस्टॉल कर लिया है, और इंस्टॉल करने के बाद iPad Air 5 में परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब नॉर्मली या फिर गेम खेलते टाइम कुछ भी इम्प्रूवमेंट क्या देखने को मिला है? अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो PUBG खेलते टाइम iPad Air 5 में बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहा था, लैग, हीटिंग इशू, ये सब चीज़ें क्या फिक्स हुआ है iPad OS 16 के बाद? लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर्स हम लोग को नया नया देखने को मिला है iPad Air 5 में, और ये वाला वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो iPad OS का वर्जन है वो भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, लेकिन ये जो अपडेट था इसका जो फाइल साइज था वो बहुत ही ज़्यादा 4.8 GB के आसपास था। लेकिन चलो कोई ना, हम लोग ने अपडेट तो कर लिया। अपडेट करने के बाद सबसे जो मोस्ट अवेटेड फीचर हम लोग को आईपैड के अंदर देखने को मिला, लाइक बहुत टाइम से कैलकुलेटर या फिर जो वेदर ऐप है वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता था आईपैड के अंदर, और फर्स्ट टाइम हम लोग को एक वेदर ऐप भी आईपैड के साथ देखने को मिला। वेल, अगर आप लोग एंड्रॉयड से कंपेयर करोगे तो एंड्रॉयड में बहुत टाइम से ही है और आईफोन में भी है, लेकिन आईपैड की हिस्ट्री में कभी भी ये दो एप्लीकेशन हम लोग को देखने को नहीं मिला था। ऑल दो जो कैलकुलेटर का ऐप है वो हम लोग को इस अपडेट में आईपैड OS 16 के साथ देखने को नहीं मिला, बस वेदर ऐप ही देखने को मिलता है। और ये जो iOS और iPad OS 16 का जो अपडेट है ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। iOS 16 के साथ iPhone के अंदर फर्स्ट टाइम हम लोग को लॉक स्क्रीन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, लेकिन iPad OS के साथ हम लोग को ऐसा होते हुए नहीं दिखा है। बस जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक था उसमें बस थोड़ा सा चेंज हम लोग को देखने को मिला है, और कोई सा भी नया नया वॉलपेपर अभी तक ऐड होते हुए नहीं दिखा है आईपैड के अंदर, लेकिन आईफोन में जो वॉलपेपर था उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिला है लॉक स्क्रीन में। और अभी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा है इस iPad OS 16 में वह है कि जो स्टेज मैनेजर फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर लगा। इवन यही एक फीचर है जो एक iPad के लैपटॉप के साथ कंपेयर करा सकता है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आप लोग अभी कुछ देर में देखोगे, और अगर आप लोग और भी बहुत सारे वीडियोस देख चुके तो शायद ये चीज़ आप लोग को पता होगा। लेकिन आप लोग जैसे ही जो स्टेज मैनेजर फीचर है उसको एनेबल करते हो उसके साथ आप लोग देख सकते हो मैं जितना भी टैब ओपन कर लूँ वो सब साइड में ही रहता है, और उसके बाद आप लोग एक एप्लीकेशन के ऊपर दूसरा जो विंडो है उसको भी ओपन कर सकते हो, जैसे आप लोग पीसी या फिर लैपटॉप में करते हो। सेम फीचर हम लोग को आईपैड में भी देखने को मिला है, और जो एप्लीकेशन का विंडो का साइज है वो आप लोग अपने हिसाब से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो, लेकिन जो लिमिट है विंडो ओपन करने का वो कोई से भी नहीं है। आप लोग कितना भी एप्लीकेशन खोल लो वो विंडो में दिखाएगा, लेकिन सेम टाइम में स्क्रीन के ऊपर आप लोग बस चार ही विंडो को मैनेज कर सकते हो एप्लीकेशन का, इसके ज़्यादा आप लोग विंडो को यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग जैसे पांचवा जो एप्लीकेशन है उसको विंडो को ओपन करोगे जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन का विंडो आप लोग ने ओपन किया था वो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा, और इस चीज़ में मुझे कोई से भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स फील भी नहीं हुआ, और ये फीचर बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया आईपैड के अंदर। और आप लोग नोटिफिकेशन बार से ये जो स्टेज मैनेजर वाला फीचर है इसको ऑफ भी कर सकते हो, मतलब ये फीचर बहुत ज़्यादा इजी टू यूज भी है। और इसके साथ फोटोज में भी हम लोग को बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला है। ऐसा बहुत बार होता है कि आप सेम टाइप का फोटोज को डाउनलोड करते हो, क्लिक करते हो, तो आप जब भी ऐसा करोगे तो फोटोज में ऑलरेडी एक डुप्लीकेट नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जहां से आप लोग सेम डुप्लीकेट फाइल को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन फोटोज में एक और अच्छा फीचर ऐड हुआ है फिंगरप्रिंट से। जैसे ही आप लोग जो रिसेंट रिलेटेड वाला जो फोल्डर है उसको एक्सेस करने जाओगे आपको हर टाइम फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये चीज़ बस एक या दो बार नहीं होता, आप लोग जितने भी बार फोटोज़ में आप लोग अपना जो रिसेंट रिलेटेड वाला फोल्डर है उसको एक्सेस करने जाओगे तो हर टाइम आपका फिंगरप्रिंट ही मांगेगा, वरना रिसेंट रिलेटेड वाला जो फाइल है उसको आप लोग डिलीट नहीं कर सकते या फिर एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ सिक्योरिटी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फोटोज़ के साथ साथ फाइल मैनेजर में भी और भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है आप लोग अभी फाइल का जो फॉर्मेट है उसका नाम को भी चेंज कर सकते हो, जैसे .mp3 से .mp4 कर सकते हो, और सेम चीज़ आप लोग .jpg जो फाइल का फॉर्मेट रहता है फोटोज़ में उसको चेंज करके आप लोग .png भी कर सकते हो अभी के टाइम में, मतलब कोई से भी फॉर्मेट का नाम को आप लोग चेंज कर सकते हो। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इतना ज़्यादा कंट्रोल अभी एप्पल यूज़र को दे रहा है। इसके साथ आप लोग जैसे iPad OS 16 में अपडेट करते हो या फिर कोई से भी बीटा अपडेट करते हो तो फीडबैक नाम का एक एप्लीकेशन भी आ जाता है, और कोई से भी अगर बग्स नोटिस होते हैं तो यहाँ पे जाके आप लोग इसको रिपोर्ट भी कर सकते हो, और डेवलपर्स इस चीज़ को फिक्स भी कर सकते हैं जैसे ये डेवलपर बीटा पब्लिक बीटा में आता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि पबजी खेलते टाइम iPad Air 5 में iPad OS 16 को इंस्टॉल करने के बाद iPad Air 5 में जो ऑप्टिमाइजेशन इशूज़ था क्या वो चीज़ फिक्स हुआ है?
और मेरा इस डिवाइस पे जो पबजी का अकाउंट लॉगिन था वो बहुत ज़्यादा नया था, इसीलिए मैं हार्ड लॉबी नहीं खेल पाया या फिर ऐसा भी लॉबी नहीं खेल पाया जहाँ लॉबी में बहुत ही ज़्यादा बंदे हो। लेकिन स्टिल मैं इतना गारंटी से आप लोगों को बता सकता हूँ कि जो फ्रेम ड्रॉप्स है वो पहले के टाइम से अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है ये आईपैड ओएस 6.1 का अपडेट में। मैंने जितना भी खेला है मुझे कोई सभी फ्रेम ड्रॉप्स या फिर लैग अभी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही कम हो गया, जीरो हो चुका है। हाँ, थोड़ा मोड़ा कभी कभार देखने को मिला, लेकिन पहले के टाइम से अगर कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और मैं बस पबजी नहीं एपेक्स मोबाइल भी खेला हूँ इसके साथ, क्योंकि टेस्ट करना था मुझे। और मैं बहुत ही टाइम तक गेम खेला, लेकिन मुझे एक चीज नोटिस हुआ जो चीज़ पहले भी होता था कि हीटिंग इशू पहले के टाइम में भी जितना था अभी के टाइम में भी उतना ही हीट होता है। ऑल दो मैं एसी रूम में बैठ के नहीं खेला, मैं नॉर्मल रूम में ही खेला हूँ, इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ही मुझे हीटिंग इशू देखने को मिला। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। और आने वाला टाइम में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा फिक्स हो जाएगा। ये आईपैड ओएस का जो अपडेट है आईपैड ओएस 16, ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में, तो अभी भी इसको टाइम लगेगा फिक्स होने के लिए। और आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, जो स्क्रीन ऑन टाइम था वो 2 hours 22 minutes तक ही था, लेकिन जो बैटरी था वो 100% से 61% तक ही आया। लेकिन मैक्सिमम जो बैटरी था वो पबजी या फिर BGMI ने ही ड्रेन किया है। लेकिन मैं पूरा टाइम पबजी नहीं खेला, मैं बस 40 से 50 मिनट तक ही खेला हूँ। और इस टाइम में मैं एपेक्स मोबाइल भी नहीं खेला था जब तक मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था, और पूरा टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम ही स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है। तो आप लोग जो बैटरी हेल्थ है वो भी आप लोग देख सकते हो कि किस रेट के हिसाब से जो बैटरी है वो ड्रेन हुआ है इस टाइम रेट में। और अभी तो आईपैड ओएस 16 बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में है, इसके बाद ये पब्लिक बीटा में जाएगा तब ये और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। और पब्लिक बीटा से जब ये फाइनली ऑफिशियल रिलीज तक जाएगा तब तो ये टोटली ऑप्टिमाइज होके ही जाएगा, तो इसको ऑप्टिमाइज होने में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन अर्ली स्टेज के हिसाब से अगर बताऊँ तो आईपैड ओएस 16 मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, अगर आईपैड एयर 5 का परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो। और यही था आईपैड ओएस 16 का कुछ इनिशियल इंप्रेशन। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वाला वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।